इसको। अरे पता नहीं कौन मार के चला गया यार। किसने टक्कर मारा भाई साहब? गाड़ी वाले देख के नहीं चलते। बताइए कोई जमाना है? अरे बहुत जमाना खराब है। चुप करो। क्या है भाई? ए व्हाट हैपेंड? ये लोग सड़क को घेर के क्यों खड़ा है? ट्रैफिक जाम। आई विल हैव टू सी बाबला को स्कूल लाने का टाइम हो रहा है। क्या है? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया। ओह अच्छा, मुझे तो लगता है भाई साहब गया। नहीं नहीं, सांस तो चल रहा है इसका। पता नहीं यार, ये गाड़ी वाले सारे देख कर चलाते नहीं है, बेचारे को उड़ा दिया। अरे उस दिन जीटी रोड पे ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था भाई साहब, 3 आदमी स्पॉट डेड, खत्म। अरे पिकअप पिकअप उठाओ, अस्पताल। क्यों मरना है क्या? पुलिस परेशान करेगी भाई। मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, मरकावटगंज में एक एक्सीडेंट हो गया था। डाइंग उठाओ उठाओ, चलो अस्पताल हॉस्पिटल। अरे तुम्हें क्यों नहीं ले जाते? तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है। हाँ, मुझे मेरे बाबला को लेने के लिए जाना है। कहाँ जाना है? सिविल लाइन्स। हाँ तो उधर ही सरकारी अस्पताल है, छोड़ते हुए निकल जाना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नॉट अ बैड, क्या कहते हैं उसको, वो आइडिया। चलो उठाओ उठाओ, पिकअप 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 पिकअप। मैं चप्पल उठाता हूँ। हाँ क्या, चप्पल आ जाओ। बहुत भारी है। ओके ओके, इनसाइड घूम जाओ। चलो चलो, कैसे हो? How are you feeling? मुझे एडमिट कराओ। क्या करूं? कोई स्ट्रेचर ही नहीं है, नो स्ट्रेचर अवेलेबल। शेम ऑन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बेशरम है। अच्छा वो बाबला का स्कूल छूटने वाला होगा। मैं अभी आता हूं। अरे रे, तुम कैसे आदमी हो, अपने मरीज को यूं ही छोड़कर जा रहे हो? इंसानियत है कि नहीं तुम में कुछ? नहीं देखिए बहन जी, बात यह है कि मेरे बाबला का स्कूल छूट जाएगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप इसको एडमिट करा देना। एडमिट है? अरे ओ भैया, मैं खुद यहाँ पर 2 घंटे से एडमिट होने के लिए वेट कर रही हूँ, हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। अच्छा आप इसका ध्यान रखना। ओके देखो देखो, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, मर मुरा गया तो। जी कोई इंसानियत नाम की चीज होती है कि नहीं? इंसानियत इंसानियत मुझे मत सिखाओ। पहले ये बताओ कि मरीज तुम्हारा है या मेरा? मेरा है। हाँ तो इंसानियत किसकी बनती है, मेरी या तुम्हारी? माई मेरी। हाँ तो फालतू बात मत करो और अपने मरीज को दाखिल करा कर जाओ। प्लीज प्लीज डोंट डाई, प्लीज डोंट डाई, घबराना नहीं। अच्छा मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अरे व्हाट बॉय, व्हाट बॉय, क्या है? बता दो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? इंक्वायरी काउंटर है क्या? नहीं मुझे थोड़ी चलती है, प्लीज। सीधा जाके लेफ्ट, फर्स्ट रूम। थैंक यू थैंक यू। यही तो नाना, बेड क्या, कुर्सी तक खाली नहीं है हॉस्पिटल में। हाँ वेटिंग चल रहा है ना। तू भेज देना तेरे भाई को, एडमिट करा लूंगी मैं। और सुन, तेरी भाभी को लड़का हुआ ना तो मिठाई खाऊंगी मैं। हाँ माफ करना मैडम, एक्सक्यूज मी, लगता है आ गया, मैं एडमिट करा लेती हूँ, बाय। मैडम मैं वो एडमिट कराना है। यस मैम। पेशेंट कहाँ है? जी आउटसाइड, बाहर। बाहर क्यों, अंदर लाते? नहीं वो स्ट्रेचर नहीं था तो उसको बाहर बेंच पे बिठा दिया, मेड इन सिटी। ऐसे थोड़ी पेशेंट को बाहर बिठाते, कहीं हालत ज्यादा खराब हो गई तो? कंडीशन वेरी बैड, हालत बहुत खराब है मैडम। अच्छा चलो चलो, उसे अंदर लाते। मैडम मैं क्या करूं? तुम कुछ कर सकते हो? जी नहीं। तो बैठो ऐसे ही, मैं आती हूँ। ये है जी, आखिरी महीना चल रहा है जी। अगर फौरन एडमिट नहीं किया गया तो समझ लीजिए आखिरी घंटा चल रहा है, लास्ट आवर। पर लगता तो नहीं है। हिम्मत है, करेज। ओ अच्छा, चलो चलो। अरे ये नहीं तो ये क्या? हाँ दिस मैन हियर। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बट व्हाई नॉट? इसको बच्चा कैसे हो सकता है? तो इसको बच्चा क्यों नहीं हो सकता? व्हाट यू सेड, मतलब इसको बच्चा होना है ना? इसको बच्चा कैसे हो सकता है? यही तो, मैं भी तो यही कह रही हूँ, इसको बच्चा कैसे हो सकता है? पेशेंट तो ये है। नहीं नहीं पेशेंट वो नहीं है, पेशेंट ये है, लुक एट हिम, एक्सीडेंट, ब्लड, बैड शेप। तुम डिलीवरी के लिए नहीं आए हो? नहीं। ये तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं मेरी वाइफ तो मेरी वाइफ के घर, आई मीन अपनी मदर के घर पे गई हुई है। प्लीज एडमिट। तुम गीता के भाई नहीं हो? नहीं मैं सीता का भाई हूँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, खामखा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे अब एडमिट तो कर लो। बेड खाली नहीं है। ईश, बेड खाली नहीं, उड़ी बाबा क्या जमाना आ गया भाई। गीता के भाई की वैल्यू है, सीता के भाई की वैल्यू नहीं है। इट इज स्टूपिड इडियटिक। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन नहीं है। नो वे नो वे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन। बजा लो। ओके ओके होल्ड इट, पकड़ के रखो, मैं अभी आता हूँ, आई विल सी। What boy? What boy? See, I want to know के डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? क्यों नींद खराब कर रहे हो यार? देखो वो उधर वो मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरी हालत क्यों खराब कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाना है, मैं वेट नहीं कर सकता, उधर बाबला मेरा वेट कर रहा होगा, जस्ट प्लीज हेल्प। तो मैं वार्ड बॉय हूँ, डॉक्टर भाटिया से मिलो ना। डॉक्टर भाटिया कौन है? डॉक्टर डॉक्टर है, लॉयर नहीं है। कहाँ मिलेंगे?
सीधा जाके राइट लास्ट रूम। थैंक यू वेरी मच। देखो अब मत आना वरना फिर। नो सीधा जाके राइट ना। हाँ ओके लास्ट रूम ना। हाँ डॉक्टर भाटिया ना। हाँ भाई हाँ। ओके फाइन स्वीट ड्रीम्स। कहाँ नहीं है। एक्सक्यूज मी मैं आई अंदर आ सकता हूँ। यस आप डॉक्टर भाटिया हैं। नो आई एम व्हाट बॉय पांडे जी। तो डॉक्टर भाटिया कहाँ हैं। आप उनसे नहीं मिल सकते। नो बट व्हाई क्यों नहीं मिल सकता। क्योंकि डॉक्टर भाटिया डॉक्टर के पास गए हुए हैं। डॉक्टर भाटिया डॉक्टर के पास गए हुए हैं इलाज कराने। बट इलाज व्हाई अपना इलाज। डॉक्टर भाटिया तो खुद एक डॉक्टर हैं। अरे जैसे हलवाई खुद अपनी मिठाई नहीं खाता ऐसे ही डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता। ओके आई अंडरस्टैंड डॉक्टर भाटिया एक हलवाई। डॉक्टर भाटिया तेरा नंबर बेड चला गया। अरे उससे तो कल डिस्चार्ज होना था आज क्यों चला गया। हॉस्पिटल से नहीं दुनिया से डिस्चार्ज हो गया। ओह नो चलो अच्छा ही हुआ बेड खाली हो गया। बेटी ने इस वाले को दूं। बोली लगाओ देखो कौन लेता। ओके वैसी आप डॉक्टर भाटिया हैं। जी आप तो इलाज करवाने के लिए गए हुए थे कौन। अरे वही तो करा रहा हूँ ये है पांडे जी डॉक्टर पांडे जी आप कौन। मी आई मुसद्दी लाल बैनर्जी। बट दिस पांडे जी व्हाट बॉय। अरे ये डॉक्टर से भी ज्यादा काबिल है आप काम बोलिए। जी मेरे पास पेशेंट है आप प्लीज चल के उसको देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ पेशेंट को यहीं ले आइए। ही टू इन द सेम कंडीशन आ नहीं सकता कांट। तो स्ट्रेचर पे ले आइए। स्ट्रेचर नो अवेलेबल। हाँ शॉर्टेज है ना। हाँ तो पांडे जी आप चल के प्लीज देख लीजिए। मैं भाटिया जी का इलाज कर रहा हूँ। देन हु विल लेट अस डिस्कस दिस मैटर। Who will look after the patient? Patient को कौन देखेगा? See, मैं वहाँ मेरा बेटा बाबला, my son, वो वहाँ अकेला वेट कर रहा होगा स्कूल के बाहर मेरा। Okay, okay. पांडे जी, we are doctors. हमें patients का ख्याल रखना चाहिए। जी, सुना तो यही है। सुना है तो जाइए ना। जी। हाँ। उड़ी बाबा, आई, कम। This is the door. Come on. Come, please, come. Come, come, come. Mr. Pandey, this is patient. देखो, Mr. Banner. Banner मतलब बंदर? No, I'm not बंदर. I'm Banerjee. No, you are Banner. No, I'm not Banner. Banner पीछे जी लगता है Banerjee. अबे पांडे के आगे जी नहीं लगाओगे तो Banner के आगे जी कहाँ से लगाऊंगा? आपके पीछे भी जी लगता है? जी. Oh, I see आप बंगाली हो. क्यों? जी बोलने का fundamental right बंगाली को ही है क्या? I am Pandeji. Okay, Pandeji. Thank you, Mr. Banerjee. हाँ जी, ये तो मैं चेक कराएंगे. जी तो बॉर्ड बॉय है डॉक्टर कहाँ? डॉक्टर की तबीयत खराब है नॉट वेल ये आप ये इलाज करेंगे। ये कर लेगा क्या? हाँ हाँ बट व्हाई नॉट ये डॉक्टर का इलाज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट योर्स व्हाई नॉट चेक करो चेक करो। ये तो खून निकल रहा है। यस ब्लड। क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट। क्या? हाँ आई वॉज कमिंग ऑन द वे ही वॉज लाइंग लेटा हुआ था मैंने उठाया पिक्ड हिम ब्रॉट हिम हियर हॉस्पिटल अस्पताल। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसे। बट व्हाई काफी साफ सुथरा आदमी हाथ क्यों नहीं लगाएंगे? पुलिस केस है ये। पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ फिर इलाज होगा। पुलिस में रिपोर्ट पर मुझे तो वहाँ जाना है बाबला को पिक करने के लिए स्कूल से मैं तो लेट हो जाऊंगा बाय टाटा। अरे सुनो रिपोर्ट लिखाओ वरना तुम ही फंसोगे कि एक्सीडेंट वाले पेशेंट को छोड़ के भाग गया। कहीं तुम्हीं ने तो एक्सीडेंट नहीं किया? नो तो ये पुलिस को बताना। पुलिस कहाँ है पुलिस? वेयर इज पुलिस? अरे क्या जवाब दूं आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं एक्सीडेंट क्यों किया? अरे मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं सीधे सड़क पे जा रहा था कार वाले ने मुझे ठोक दिया। लो बेटा कार वाला तो कह रहा है तुमने ठोका। नहीं अरे मैं तो बीच में आ गया था सुसाइड करने के लिए। अरे मैं सुसाइड क्यों करूंगा? अरे मेरे पास सुसाइड करने की क्या वजह हो सकती है? मेरी एक बीवी और 6 बच्चे हैं। अरे ये सुसाइड करने की बहुत बड़ी वजह है भाई इसको अंदर ले जाओ। मैं सब इंस्पेक्टर शुक्ला हूँ समझ रहा हूँ कि नहीं? ऐसी तैसी कर दूंगा एक्सीडेंट करने वालों की। बात कर रहे हैं है कोई माइकल वाला एक्सीडेंट करने वाला? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर शुक्ला तुम हो? हाँ मैं हूँ तो। एक्सीडेंट केस। अरे आपको कैसे पता चला? अरे इंस्पेक्टर शुक्ला को सब पता है कहाँ हुआ एक्सीडेंट। बाबूपुरखा। बाबूपुरखा कहाँ? हाँ दैट्स वेयर एक्सीडेंट हैपेंड। लेकिन एक्सीडेंट हुआ कहाँ? बाबूपुरखा। बाबूपुरखा बाबूपुर का कौन सी जगह है कहाँ है? ओके देन जीटी रोड यू हैव सीन बाबूपुर का इज ऑन जीटी रोड। हाँ देखिए लेकिन जीटी रोड भाई साहब पाकिस्तान से कलकत्ता तक जाता है उसके बीच में कहाँ है बाबूपुर का? ओके फाइन जीटी रोड पे वेजिटेबल मार्केट सब्जी मंडी देखा है आपने? हाँ देखा है। बस वहीं पे है बाबूपुर का। लेकिन भाई बाबूपुरखा है कहाँ? बाबूपुरखा में है। आप मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं वहाँ पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बाबूपुरखा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? व्हाई देन एक्सीडेंट आपने किया? मैंने नो
आई हैव नॉट डन, मैंने नहीं किया है एक्सीडेंट, मैं तो वहां से आ रहा था. नो सॉरी, मैं वहां से जा रहा था. यस आई वॉज गोइंग टू, मैं बाबला के स्कूल जा रहा था. बाबला माई सन, वो स्कूल में मेरा वेट करा होगा. जल्दी कीजिए प्लीज. चलिए ना, कहाँ है बाबला का स्कूल? नहीं, बाबला के स्कूल नहीं जाना, आपने पेशेंट को देखना है. किस पेशेंट को? जिसका एक्सीडेंट हुआ है. देन Where is he? He is in the outside corridor, bench के ऊपर sitting. मैं बिठा के आया हूँ उसको. But doctor say don't touch him. They will not touch him. वो कहते हैं जब तक पुलिस उसको touch नहीं करेगी, तब तक doctor उसको touch नहीं करेंगे. Then what? हाँ, that's the procedure ना. जब तक पुलिस report नहीं देगी तो इलाज कैसे होगा? नहीं, पर अगर तब तक patient मर जाए, die, then what? क्या होगा? दाह संस्कार होगा. Okay, दाह संस्कार होगा. लेकिन I think दाह संस्कार से पहले आप उसका पंचनामा कर दीजिए. Let's go. Come. हेलो 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 भाई साहब, स्पीक, बोलो. एक मिनट, पीछे हटिए. पटवाए नो कुका है, डर चुका है. नो, आई थिंक मर चुका है. अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मर चुका है. उड़ी पापा, क्या हुआ शुक्ला जी? पटेल, इस लाश को पंचनामे के लिए ले जाओ, हवलदार. अच्छा, मेरा ख्याल है मेरा बाबला मेरा वेट कर रहा होगा, मैं चलता हूँ. ओके. ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? रिपोर्ट तो लिखवाओ कि ये कौन है, कहाँ से आया है. वो तो यही बताएगा ना. अरे ये तो मर चुका है ना. ओ यस. हाँ, कौन है ये? ये आई डोंट नो. आप ही लाए थे ना? मैं, यस मैं लाया था. तो आपको नहीं पता कौन था? नहीं, वो तो सड़क पे पड़ा हुआ था. आई पिक दे, मैं उठा लाया. उठाई गिरा हो? तो उठाई गिरा है. उठाई गिरा मीन सड़क पर पड़ी हुई चीजों को उठाने वाला. नो 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 नो, ये कोई चीज नहीं है. दिस इज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग. वहां पड़ा हुआ था सड़क पे, खून से लथपथ. नोबडी पिकिंग अप, कोई नहीं उठा रहा था. मैंने उठाया. आई पिक्ड अप, ब्रॉट हिम हियर, यहां लेके आया हॉस्पिटल. लेकिन जिसको कोई नहीं उठा रहा था, आप क्यों उठा लिए? वही मेरे से बहुत बड़ी सॉरी हो गई. आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा. आई एम सॉरी, प्लीज. नो, थैंक यू. हाँ, अब मैं जाऊँ, मेरा बाबला वेट कर रहा हूँ. जी हाँ, बिल्कुल. गाड़ी छुड़वा दूँ? नो, गाड़ी आई गॉट माय ओन कार, थैंक यू वेरी मच. एक्सक्यूज मी. ओ क्या शुक्ला जी, कैसे भेज सकते हैं ऐसे? तो फिर कैसे भेजें? अरे बयान नहीं लेना है कि किसने एक्सीडेंट किया, कैसे किया, कहाँ किया. मैं भी एक्सीडेंट की जगह पर आ रहा था और बाबला को लेने जा रहा था. एक चीज बताइए, आप एक्सीडेंट की जगह पर आ क्यों रहे थे? आ नहीं रहा था, मैं जा रहा था. तो एक्सीडेंट की जगह पर जा क्यों रहे थे? नो, मैं एक्सीडेंट की जगह पर जा नहीं रहा था, पर जहाँ से मैं जा रहा था वहाँ पे एक्सीडेंट हैपन हुआ था. ओके पटेल, मुसद्दीलाल बनर्जी को अंदर लेके जाओ जरा. ईश, बट बाय मी. अरे आपको नहीं, इसे मुसद्दीलाल बनर्जी को, जो यहाँ टेढ़ा पड़ा है ना. नो, आई एम मुसद्दीलाल बनर्जी, और मैं टेढ़ा नहीं पड़ा हुआ हूँ, मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ. जो ये टेढ़ा पड़ा है, फिर ये कौन है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. लीजिए, आप ही ने तो बताया कि मुसद्दीलाल बनर्जी नाम है इसका. नो, मैं मुसद्दीलाल बनर्जी हूँ. व्हाट? यस. अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ, बाबला को लेने जाऊँ? अरे नहीं, पूरा बयान बदलना पड़ेगा, फिर से रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी. शुक्ला जी, इसे ले जाऊँ वरना मर जाएगा. अरे इसे अभी तक यहाँ क्यों छोड़ा हुआ? ले जाओ अंदर, ले जाओ. चलो स्ट्रेचर पर डालो. बाबा, चार बार आप रिपोर्ट पूछ चुके हो, चार बार मैं लिखवा चुका हूँ, अभी और कितनी बार लिखवाऊं मैं? अरे यार, कभी तुम एक्सीडेंट का पता गलत बताते हो, कभी अपना नाम उल्टा बताते हो. चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप. नो, मुझे लगता है आई कैन गो. अब मैं जा सकता हूँ. मैंने अपना नाम लिखवा दिया, अपना बयान लिखवा दिया, वहां पे बाबला मेरा इंतजार कर रहा होगा. नो, बट व्हाई? बयान का वेरिफिकेशन होगा. हु? व्हेन? अरे जो बेहोश पड़ा है वो. पर व्हेन? जब होश में आएगा तब. क्या? व्हाट? हाँ, यस. नहीं, वहाँ बाबला मेरा वेट कर रहा होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है. अरे यार, तुम्हारे बाबला के चक्कर में तो हम बबली हो गए. चुपचाप बैठे रहो, सिट. पापा, सिट. अरे मेरा कसूर क्या है? मैं उधर एक आदमी सड़क पे गिरा हुआ था, वुंडेड जख्मी, उसको मैं उठा के लाया, पिक हिम अप एंड ब्रॉट हिम हॉस्पिटल. किया क्या मैंने? हमने बोला था उठा के लाने को, पड़ा रहने देते वहीं. थोड़ी देर के बाद अपने आप उठ के चला जाता. वो खुद भी परेशान हो गए, हमको भी परेशान किया. अभी क्या होगा? अभी कुछ नहीं, वो बयान देगा कि एक्सीडेंट आपने नहीं किया है, तभी कुछ होगा. पूरी पापा, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, आई हैव नॉट डन इट. तो उसे बोलने दो ना. तुम कब बोलेगा वो? व्हेन विल ही स्पीक? जब वो होश में आएगा. होश में? व्हेन? देन जब उसका इलाज शुरू होगा. इलाज कब? व्हेन? अरे पहले डॉक्टर भाटिया का तो इलाज शुरू होने दो. वहाँ डॉक्टर भाटिया का इलाज, वहाँ वहाँ बाबला मेरा वेट कर रहा होगा. आर यू ऑल राइट? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है. डोंट वरी, बी हैप्पी. मिस्टर बॉय, आप मेरा हेल्प कर सकते हो? हाँ बोलो. प्लीज देखो, आप मेरे बेटे को स्कूल से जाके ले आओ. नहीं, देखो प्लीज. अरे भाई, यहाँ मरीजों को छोड़कर नहीं जा सकता ना मैं. आप मुझ पर कृपा करो मिस्टर. मिस्टर वॉट बॉय, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं. इतने प्यार से मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, मेरी माँ ने भी नहीं. ठीक है, मैं जाता हूँ. कहाँ है स्कूल? वो ABC स्कूल है. देखो, 300 रुपए तो मेरी फीस.
300? क्या है यहाँ एक घंटे में 150 की कमाई होती है, तो आने जाने के 2 घंटे लगेंगे तो 300 हो गया ना, लॉस कौन भरेगा? बट वाई 500? 200 रुपए टैक्सी का आने जाने का कन्वेंस। नो, टैक्सी से नहीं जाएगा, बस से जाएगा, बस से। 20 रुपए दूंगा मैं तुमको, 320 बस दर्ज। देखो 500 देने हो तो दो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो मैं बस से जाऊंगा या तो टैक्सी से जाऊंगा। टैक्सी से मैं अपने पैसे से क्यों जाऊंगा, और बस से गया तो दो बातें होंगी, या तो मैं जल्दी पहुंचूंगा या तो देर से पहुंचूंगा। जल्दी पहुंचा तो ठीक, देर से पहुंचा तो दो बातें होंगी, या तो बाबला वहां पर होगा या तो कोई उठा के ले गया होगा। उठा के ले गया होगा तो भी ठीक, मगर वहां हुआ तो दो बातें होंगी, या तो वो मेरे साथ आएगा या तो नहीं आएगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो दो बातें होंगी, या तो मैं उसे चॉकलेट देके पटाऊंगा या तो आइसक्रीम देके पटाऊंगा। चॉकलेट से पटाया तो ठीक, आइसक्रीम से पटाया तो बुखार हो जाएगा। हाँ, थैंक यू, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। कम सून, जल्दी आना प्लीज। मिस्टर बनर्जी, वो एक्सीडेंट वाले को आप लेके आए थे? फर्स्ट और लास्ट टाइम लेके आया था, आज के बाद कभी नहीं लाऊंगा। चलो फॉर्म भर दो। क्या क्या भरवाओगे? कुछ नहीं, भर दो कि अगर इलाज के दौरान वो मर गया तो जिम्मेदारी हमारी नहीं तुम्हारी होगी। क्या हा? मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? क्योंकि तुम लेके आए थे। कितनी बार याद दिलाओगे? चलो भर दो। उषा जी के पास। यही तो नहीं ना, मैं हॉस्पिटल के कंबल नहीं बेच सकती। अरे पांडे पहले ही बेच देता है। ये काम करना तो तकियों की डील करा दे। तो क्या करते हैं, कॉटन लाते हैं और इकट्ठा करते करते गद्दे बना देते हैं। मैडम मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। क्या है? मैडम ये फॉर्म तो मैंने भर दिया है, मे आई नाउ कैन गो? आई गोला कौन बनाएगा? हाँ कल से देख रहे हो ना, बेचारे के हाथ में चोट है फिर भी कैसे बैठा है, और तुम इतने जल्दी घबरा गए? मैं गोला बनाने से नहीं घबरा रहा हूँ मैडम, मैं इस बात से घबरा रहा हूँ मी बिकॉज वो वार्ड बॉय को माई सन मेरा बेटा बाबला मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मिस्टर मुसद्दिलाल। हाँ वार्ड बॉय, मेरा बाबला कहाँ है? ये रहा। ये मेरा बाबला है? हाँ। तुम पागल तो नहीं हो गए, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? यही है आपका बाबला। अरे बाबला का बाप मैं हूँ कि तुम हो? मुझे क्या मालूम। देखो मौके कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, स्कूल के बाहर यही खड़ा रो रहा था इसलिए ले आया इसे। अरे ये मेरा बाबला नहीं है। तो किसका बाबला है ये? अब मुझे क्या पता किसका बाबला है, तो किसको पता होगा? अरे मेरा बाबला कहाँ है वार्ड बॉय, मेरा बाबला कहाँ है? वेयर इज माय बाबला, वेयर इज माय बाबला, उड़ी बाबला, वैसा बाबला, अरे बाबला, अरे बाबला, उड़ी बाबला, देखो मान जाओ वरना दो बातें हो जाएगी, या तो वो बच जाएगा या तो मर जाएगा। बच गया तो तुम बच गए और मर गया तो दो बातें होंगी, या तो कत्ल का इल्जाम तुम पर आएगा या तो डॉक्टर भाटिया पर आएगा। डॉक्टर भाटिया पर आज तक नहीं आया तो आज क्या आएगा, और तुम पर आया तो दो बातें होंगी, या तो तुम्हें उम्र कैद होगी या तो फांसी होगी। उम्र कैद हुई तो ठीक, मगर फांसी हुई तो दो बातें होंगी। अरे फांसी हुई तो तुम्हारा बाबला का क्या होगा? सोचो मसंदी सोचो। क्या हुआ मुंडी बात? हार्ट, अरे थोड़ा पड़ रहा है मुझे। गिरना नहीं, गिरना नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं डॉक्टर भाटिया का इलाज चल रहा है ना, इन्हें चल के जाना पड़ेगा। फ्रैक्चर नहीं हुआ है मुझे। स्ट्रेचर लाओ। स्ट्रेचर नहीं है। पिक भी आप गोद में ले लो। गोद में, गोद में। हाँ हाँ, तेज तेज सांस लो। हाँ नहीं रहा, नॉट कमिंग। कोई बात नहीं, आराम से खड़े रहो। हाँ पहला डॉक्टर दिखा है जो खुद लेटा हुआ है और पेशेंट को खड़ा रखा है। आज के बाद देखोगे भी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। क्या? व्हाट? उषा जी, इसे आईसीयू में ले जाओ। पर वहाँ तो वो एक्सीडेंट वाला पेशेंट है। कौन? वही जिसे मुसद्दिलाल लाया था? हाँ, वो तो आधा घंटा पहले डिस्चार्ज हो गया। क्या? कौन? वो तो घर गया। ओ, मेरा बाबला। वो भी घर पहुंच गया। मैं कहाँ जाऊँ? आईसीयू। आईसीयू कहाँ? वे